एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। तो अगर आप अभी क्लास 10th में आए हो तो वेलकम टू क्लास 10th। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की जो स्टडी है वो कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको फुल प्लानिंग मिलने वाली है एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की, ठीक है? तो चलो फटाक से हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का जो पेपर होता है वो कितने कितने मार्क्स का होता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना मैं जो अभी बोलूंगी, और ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ओके, सब कुछ मतलब सब कुछ मिलेगा। नोट्स चाहिए? डोंट वरी, मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए? अरे डोंट वरी, मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट चाहिए? अरे सब मिल जाएगा। रुक जाओ, जरा रुक जाओ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का जो पेपर होता है ना, वैसे वो देखा जाए तो 60-60 मार्क्स का होता है। लेकिन आप बोलोगे, मिस क्या 60 मार्क्स का, हमने तो सुना है कि 40-40 मार्क्स का होता है। अरे आपने सही सुना है, रुक जाओ। ये जो 60-60 मार्क्स है ना, वो विद ऑप्शन के साथ मैं बता रही हूँ। आपको तो पता ही है कि आपको ऑप्शंस होता है ना, एनी टू लिखो, एनी थ्री लिखो। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो पूरा पेपर है ना उसका मार्क्स बता रहे हैं। तो एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री जो है वैसे वो 60-60 मार्क्स का होता है विद ऑप्शन, लेकिन आपको ये 60 मार्क्स में से सिर्फ 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का जो आपका पेपर होगा वो 40-40 मार्क्स का होगा विदाउट ऑप्शन। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो चलो आपको क्या समझा कि जो हमारा मैथमेटिक्स का जो पूरा पेपर है जो दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो एलजेब्रा 40 मार्क्स, ज्योमेट्री 40 मार्क्स, बरोबर। और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, और वो कब होगा? वो स्कूल की तरफ से आपका लिया जाएगा, ठीक है? बोर्ड एग्जाम के थोड़े दिन पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो 20 मार्क्स का होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स का पूरा पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, और हमारा ये टारगेट है कि हम 100 में से 100 जरूर लाएंगे। लाओगे कि नहीं लाओगे कमेंट में जरूर मुझे बताना, ठीक है? ये क्लियर हो गया? ओके, चलो अभी मैं बताती हूँ कि एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के कौन-कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका जो वेटेज है वो क्या है। अच्छा, ये वेटेज क्या होता है? वेटेज क्या होता है, चलो मैं पहले आपको बताती हूँ कि हर चैप्टर में से कितने इतने मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसको ही बोलते हैं वेटेज, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलजेब्रा का वेटेज। तो यहाँ पे देखो, एलजेब्रा में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 का वेटेज देख लो। अरे बापा, क्या बोल रहे हो? चैप्टर नंबर 1 एलजेब्रा, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, इसका वेटेज है 12 मार्क्स का। यानी कि इस चैप्टर से आपको 12 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। My God, one of the highest weightage. Chapter number 2 भी 12 marks. My God, अगर आपने ये दो chapter ही अच्छे से कर लिए तो आपको 24 marks तो मिल ही गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं हम कोई छुप तो कर लेंगे, मतलब कुछ मिस्टेक तो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सारे चैप्टर अच्छे से करने, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 arithmetic progression 8 marks का है। चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है और मतलब ज्यादा बच्चों को ये चैप्टर पसंद नहीं आता और वो स्किप कर देते हैं, इसका वेटेज 8 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 5, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा चैप्टर एंड बहुत ही इजी चैप्टर, इसका वेटेज भी 8 मार्क्स है। एंड चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक, वहां तक पहुंच के तो हालत ही खराब हो जाती है, इसलिए हम छोड़ ही देते हैं ये चैप्टर को, हम करते ही नहीं है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एलजेब्रा, दैट इज स्टैटिस्टिक, इसका वेटेज भी 12 मार्क्स है। ओके, तो आप समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा नहीं बताई ना कि चैप्टर नंबर 6 आते आते हवा टाइट हो जाती है, बैटरी लो हो जाती है, कोई करता ही नहीं है चैप्टर नंबर 6। लेकिन हम उसमें से नहीं होंगे, हम तो सारे चैप्टर्स करेंगे, है ना? और हम 40 में से 40 लाएंगे एलजेब्रा में। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, ये वेटेज थोड़ा 19-20 हो सकता है, 19-20 हो सकता है, मतलब कि मान लो कि चैप्टर नंबर 1 जो 12 मार्क्स का मैंने बोला है वो कभी कभी 11 मार्क्स का आ सकता है, तो 1 मार्क्स का ही और शिफ्ट हो सकता है, ऐसे मतलब वो थोड़ा 19-20 तो चलता है, बट दिस आर दी एक्यूरेट वेटेज जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? अभी देखो, अगर आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, एलजेब्रा इतना हार्ड नहीं है। और मैं आपको एक बात भी बताऊंगी कि आपको कौन से स्टडी मटेरियल यूज करने हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि आप देख सकते हो वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि 12 मार्क्स का वेटेज होता है। हॉट्स क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ सकते हैं, यानी कि आते भी है। अच्छा, ये हॉट्स क्वेश्चन क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन बाकी के ये जो 3 चैप्टर्स है ना वो भी इतने हार्ड नहीं है, प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है,
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बहुत इजी है. फाइनेंशियल प्लानिंग का तुम लोग थोड़ा सा क्या करो, अपने टेस्ट बुक जितना भी कर लिया ना, दैट इज इनफ. ठीक है, ओके, चलो लेट अस मूव टू ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री में टोटल 7 चैप्टर्स है, 1 चैप्टर ज्यादा है, ओके, एज कंपेयर टू एलजेब्रा. तो ज्योमेट्री के जो वेटेज है वो चलो देख लेते हैं. चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, जो अभी अभी आपने स्टार्ट किया होगा, कैसा लग रहा है पढ़ के जरा बताना मुझे. इसका वेटेज वन ऑफ दी हाईएस्ट वेटेज भी बोल सकते हैं, 10 मार्क्स. ओके, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से. ओके, और चैप्टर नंबर 1 हम कर ही लेते हैं क्योंकि वो हमारा पहला चैप्टर होता है ना 10वीं कक्षा का. ओके, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही लाइट वाला चैप्टर है, इजी है ये भी, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बट इजी, मुझे इजी लगता है चैप्टर, मुझे तो इजी लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ इजी चैप्टर. ठीक है, 7 मार्क्स का वेटेज है, कम है बट करना जरूर है. चैप्टर नंबर 3 सर्कल, मैं बोल रही हूँ तुम सर्कल में जब सर्कल करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है. बट मैं बोल रही हूँ ना कि इतना अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, पूछो मत. मैंने इसको इजी बना के रखा है, बहुत इजी बना के रखा है. वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा वेटेज सर्कल चैप्टर का है, दैट इज 12 मार्क्स. यू कांट स्किप दिस चैप्टर, मैं पहले ही बोल रही हूं, अगर छोड़ दिया तो गए तुम्हारे 12 मार्क्स आउट ऑफ, तो आएगा ही नहीं, फिर छोड़ ही दो. ठीक है, करना है करना है करना है, सर्कल चैप्टर करना है बस. मैं जितना कराऊंगी उतना ही कर लेना, एक सर्कल चैप्टर के वन शॉट हम मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं, वो देख लेना, इजी चैप्टर है. ठीक है, टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ पूरे साल हूं. चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है, दो ही प्रैक्टिस सेट पे आराम से हो जाएगा. 7 मार्क्स का वेटेज है, वो तो अपने मिट्टी में है, 7 मार्क्स तो अपने मिट्टी में है. चैप्टर नंबर 5 वेरी इजी कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, 7 मार्क्स का वेटेज है, ये भी हो जाएगा. ट्रिगो 7 मार्क्स का वेटेज है, ट्रिगो जो है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इस चैप्टर से, बट मुझे नहीं पता क्यों घबराते हो यार, टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन दिए ना उतने ही करने के, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं. जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज टेस्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लो, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, तो वो चैप्टर हो ही जाता है. ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बोल रही हूँ ना, लास्ट चैप्टर आते आते हैं ना हालत टाइट, बैटरी लो करते ही नहीं है, बोलते अरे जाने दो ना, स्किप कर दे क्या, ये चैप्टर स्किप कर देगा. अरे तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो ना, क्यों स्किप करना है, लास्ट में क्यों स्किप करना चाहते हो ये चैप्टर को, करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोल रही हूँ, फिर बोलना मत कि नहीं नहीं आपने नहीं बताया स्टार्टिंग से. देखो मैं एक बात बताती हूँ, अभी बहुत बच्चे वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो ये जो मई और जून में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, मई और जून में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनका एक दो चैप्टर सारे सब्जेक्ट से हो जाता है, कम से कम मतलब दो चैप्टर तो हो ही जाते हैं सारे सब्जेक्ट से हो जाते हैं, तो वही बच्चे टॉपर बनते हैं. ठीक है, अगर आप ये मई और जून का मन यूटिलाइज कर लो, तो आई गारंटी यू कि आपने जो सोचा है ना कि आपका 80% आपको चाहिए, नहीं 80% नहीं आएगा, 80% से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आपने ये मई और जून का जो मंथ होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है. और यही डिफरेंस है जो बच्चे कम परसेंटेज लाते हैं और जो बच्चे ज्यादा परसेंटेज लाते हैं, क्योंकि वो ये मई और जून का महीना यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. ठीक है, यूटिलाइज करो अच्छे से, आपने अगर 80 सोचा है तो आपका 85 आएगा, क्योंकि आप इतना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो यार, कॉन्ग्रेचुलेशन. चलो अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप स्टडी करोगे एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का. मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लेके बैठो मत, नहीं होगा. हाँ, डायरेक्ट कोई बच्चे तो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देगा सॉल्व करना. अरे तुमने कॉन्सेप्ट किया, तुमने नोट्स बनाए, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लेके बैठ गए, नहीं नहीं नहीं, थ्योरी नहीं चल रहा है ये, आप तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी करना पड़ेगा. देखो मैं बताती हूँ स्टेप वाइज क्या करोगे आप. कॉन्सेप्ट जैसे कि मान लेते हैं कि हम हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, उसका अगर आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 करना है, तो आपको उसके पहले कॉन्सेप्ट दिया रहता है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा या कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 कॉन्सेप्ट करोगे. अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से करोगे, आप कोचिंग में जाते रहोगे, कोचिंग से कर सकते हो, कोचिंग के टीचर्स है वो आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते ही होंगे, या स्कूल के टीचर्स है, या आपके पास अवेलेबल है मोबाइल, दैट इज यूट्यूब. यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिखाते हैं एलजेब्रा ज्योमेट्री, तो वहां से आप क्या करोगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, खुद के नोट्स बनाओगे. नाना किसी के नोट्स बोरो नहीं करने हैं, हाँ बट मैंने भी नोट्स दिए हैं, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं, लेकिन खुद के नोट्स तो भाई खुद के नोट्स होते हैं. हम जो अपने हाथों से नोट्स लिखते हैं ना, उसका अलग ही मजा होता है, उसकी अलग ही फीलिंग होती है ना. तो पहले कॉन्सेप्ट करना है, फिर वो कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाओ कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट में क्या था, कैसे था, शॉर्टकट में लिखने को ट्राई करो.
अपने ओन लैंग्वेज में लिखने को ट्राई करो, अपने नोट्स, अपने नोट्स, अपनी मातृभाषा कुछ भी लिखने का, नोट्स में अपनी कुछ भी मदर टंग कुछ भी कैसे भी लिखो, ठीक है, नोट्स बना दिए। उसके बाद जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट करके हो जाता है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहां से, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आप प्रैक्टिस सेट पे जंप करने का, फिर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 लिख दिया, सॉल्व एग्जांपल्स भी आप कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, या उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन दिख रहा है तो वो भी कर सकते हो, तो प्रॉब्लम सेट भी साथ साथ में होता है आपका, ठीक है। ऐसा जैसे प्रैक्टिस सेट 1.1 का कॉन्सेप्ट किया, नोट्स बनाए, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने खत्म कर दिए प्रैक्टिस सेट, सॉल्व एग्जांपल और प्रॉब्लम सेट से, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 डन। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाओगे तो उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कहां से करोगे, 3 रिसोर्सेज है आपके पास, कोचिंग वाला, स्कूल वाला और यूट्यूब वाला, जहां से आपको जमता है वहां से करने का, नोट्स बनाने के, क्वेश्चन सॉल्व करने का। और आप क्या करो ना, एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप रिवाइज करोगे, सैटरडे संडे जो डे आपको कंफर्टेबल रखता है, जैसे कि मैं बोल रही संडे, संडे को क्या करूंगा मैं या क्या करूंगी, सिर्फ रिवाइज करूंगी, पूरे हफ्ते मैंने जो किया है जिस भी सब्जेक्ट का उसको मैं संडे को सिर्फ रिवाइज करूंगी, क्योंकि रिविजन इज इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस सेट 1.1 करके रखे हो और आपको लग रहा है अरे प्रैक्टिस सेट 1.1 तो हो गया, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, आपने उस प्रैक्टिस सेट को देखा ही नहीं, तो आप भूल गए हो। मैं पहले ही बोल देती हूँ आप भूल गए हो, आपको उसको वीकली बेसिस पे याद दिलाना पड़ेगा। मैं तो वीकली फिर भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिया ये, आपको एक एक दो दो दिन में उसको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके माइंड में जाने को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस एट 1.2 स्टार्ट करोगे ना, जब एक बार आपका प्रैक्टिस एट 1.1 हो जाता है ना, तो आप प्रैक्टिस एट 1.2 स्टार्ट करोगे नेक्स्ट डे, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आप प्रैक्टिस एट 1.1 के कॉन्सेप्ट फिर से एक बार खुद को रिवाइज करवा दो ना, क्या जाता है आपका, इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है ना, फिर प्रैक्टिस एट 1.2 के कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, ठीक है। ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। ऐसे आपको कभी भी एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री की स्टडी करनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती थी और मैं ऐसे ही बोलती हूँ बच्चों को करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और एक बात, खुद के नोट्स हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैंने भी हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री के पूरे चैप्टर्स के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप डाउनलोड कर लेना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अभी से शेयर कर लो, क्योंकि फिर पहुंचते पहुंचते पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के पास ये नोट्स पहुंचने चाहिए ना। हाँ, तो शेयर कर लो। उस नोट्स में आपको क्या मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ठीक है। रुको, मैं लास्ट में आपको नोट्स भी बताऊंगी, बट लेट अस मूव फॉरवर्ड। आपको बताती हूँ कुछ फुल फॉर्म बताती हूँ और उसके मीनिंग बताती हूँ, जो आप इस साल बहुत सुनने वाले हो, क्योंकि क्लास टेंथ में आए हो ना, बोर्ड एग्जाम है ना, तो ये कुछ नए वर्ड आप सुनने वाले हो। PYQs, अरे PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है उसको बोलते हैं PYQs। तो बहुत जन आपको बोलेंगे, बहुत टीचर्स आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, अरे तुमने PYQs सॉल्व किया क्या, व्हाट इज दिस PYQs। आपका जब एक बार पूरा चैप्टर या पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री का, जो होगा नवंबर दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी का जो मंथ होता है वो रिवीजन वाला मंथ होता है। तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए जाते हैं जो बोर्ड के हिसाब से अरेंज होते हैं, या बहुत सारे PYQ सॉल्व किए जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स है वही हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपको करना है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, बस मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ, हम भी करेंगे बट टाइम है उसके लिए। नेक्स्ट, एक हॉट्स करके, आप हॉट्स करके भी एक वर्ड आप सुनोगे। हॉट्स क्वेश्चन मतलब क्या, देखो आपके बुक में कुछ स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं, हाँ उसको भी आप हॉट्स बोल सकते हो। दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है हमको, थोड़े हायर ऑर्डर वाले ये क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं जरा मैं बताती हूँ। एक पूरा पेपर पैटर्न है, मैं तो आपको एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न अभी बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है टाइम वेस्ट है। एक पेपर पैटर्न होता है पूरा, कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1A क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1B क्या होता है, बट वो छोड़ो, मैं हॉट्स बताती हूँ कि जो हमारे लास्ट के जो दो क्वेश्चंस होते हैं ना एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री का, ठीक है, बोर्ड का पेपर पैटर्न ये मैं बता रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, इनको हम हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। व्हाट इज हॉट्स क्वेश्चन, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन। अरे डरा रही नहीं हूँ, बस बता रही हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, इजी होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी देखो मैं एक बात बताती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि आपको है ना कोई भी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास है। क्या है आपके पास, टेस्ट बुक है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपने टेस्ट बुक जो है ना हमारी, टेस्ट बुक का अगर आपने क्या किया, नंबर 1 अगर आपने पूरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कर दिए, पूरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कर दिए, पूरे प्रॉब्लम सेट के अगर क्वेश्चन कर दिए, और
ये बच्चे नहीं करते जो है सॉल्व एग्जाम्पल। अगर आपने ये सॉल्व एग्जाम्पल भी अगर कर लिया तो मैं बोल रही हूं ना, आपको किसी की कोई बुक की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट के पूरे क्वेश्चंस हर चैप्टर से, प्रॉब्लम सेट के पूरे क्वेश्चन हर चैप्टर से, सॉल्व एग्जाम्पल हर चैप्टर से। अगर आपने इतना भी एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री में अगर कर लिया और लास्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया एक दो, अगर टाइम बचता है तो तीन चार करो, किसने ना बोला है, लास्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, तो बस मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों में 40 में से 40 आराम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उतना आपका प्रिपेरेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका लिखने, आप लिखते कैसे हो एक सोल्यूशन को, दैट्स मैटर ना, वो मैटर करता है, ठीक है। तो बस इतना कर लिया तो मैं बोल सकती हूँ 40 में से 40 पक्का है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल लगा होगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप वो दोनों एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप क्या है ये, आपको जैसे व्हाट्सएप पता है, तो टेलीग्राम भी एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे उस ग्रुप में मैं जो भी स्टडी मटेरियल होता है मेरे पास, जो भी मैं नए वीडियोज अपलोड करती हूँ, तो वहां पे मैं वो वहां पे टेलीग्राम पे एक अपडेट दे देती हूँ, ठीक है। तो वो आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यार किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ एक्सप्लोर करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ आप मुझे जरूर बताना, न्यू बैच, पहले तो आप न्यू बैच के बच्चे हो, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है, बहुत ही लेट वेलकम कर रही हूँ, बट वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अवर चैनल, यार माय चैनल क्यों बोल रही हूँ, वेलकम टू अवर चैनल। अगर कुछ जरूरत होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजना, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ, मुझे अगर लगता है कि बच्चे ने डाउट पूछा मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो चलो एक मिनट मैं आपको नोट्स बताती हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स देखने हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे एल्जेब्रा के हैंड रिटन नोट्स, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पेज में आपको मिलने वाला है कि हर प्रैक्टिस सेट से आप क्या क्या सीखने वाले हो, मतलब टॉपिक का नाम आपको दे दिया है और कितने प्रैक्टिस सेट है वो सब बताया है। और सेकेंड पेज से यहाँ पे चालू हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट का नोट्स, ठीक है, 1.1। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये देखो उसका जनरल फॉर्म है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और हम हर प्रैक्टिस सेट में क्या क्या करेंगे ये सब है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं, पूरे मजे ले लो इसके, बहुत ही यूजफुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नोट्स है, एक ही पीडीएफ में आपको पूरे एल्जेब्रा के जितने भी 6 चैप्टर्स है उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और शेयर जरूर करना यार, बच्चे लोग आप शेयर नहीं करते हो, बहुत चैप्टर होते हो आप खुद के पास रख देते हो, ऐसा नहीं कि टीचर का थोड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है मोटिवेशन, वही सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लिया, लाइक बटन को क्लिक कर लिया, एक दो कमेंट कर लिए, तो हमारे लिए वही थोड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। तो शेयर कर लेना, ठीक है। चलो, तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्या चाहिए मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए कुछ क्विज वगैरह रखूँ, और मुझे ये भी बताना कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट कब से है, ताकि हम थोड़ा उसका प्रिपेरेशन कर सके, है ना। और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री से, वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो हम कुछ प्रिपेयर करते हैं ना उसके लिए, ठीक है। चलो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।